हिमाचल में मौसम ने करवट बदली है। शिमला में बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग की ओर से भी अभी येलो अलर्ट है जो जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी का भी पूर्वानुमान है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, तो मौसम का मिजाज बदला हुआ है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में इस समय बारिश का दौर लगातार जारी है। हमारे साथ शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। प्रदीप, मौसम ने करवट बदली हुई है और किस तरह का मौसम को लेकर आज के लिए क्या कुछ कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से, किस तरह का मौसम अभी शिमला में नजर आ रहा है या पूरे हिमाचल में रहने वाला है? बिल्कुल अवंतिका, देखिए जो मौसम विभाग की तरफ से आज के लिए पूर्वानुमान लगाया गया है उसमें बारिश का अनुमान है। और अभी अगर शिमला की बात करूं तो मैं यहाँ कुछ देर से यहाँ पर बारिश जो है हल्की बारिश और लगातार बारिश जो है वो हो रही है। और इसी तरह से येलो अलर्ट जो है जारी किया गया है, खासतौर पर जो ऊना, चंबा और किन्नौर के जिला है और जो बाकी क्षेत्र है मध्यम ऊंचाई वाला और बाकी इसके अलावा जो निचला क्षेत्र है वहां के लिए ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। और उसमें ये भी कहा गया है कि ओलावृष्टि भी होगी, तेज बारिश भी हो सकती है और उसके साथ साथ जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, बहुत ऊंचाई वाले इलाके हैं, लाहौल स्पीति का इलाका है, बाकी भी ऊंचाई वाले जो इलाके हैं वहां पर हल्की बर्फबारी भी हो सकती है और इसको लेकर भी येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि नवंबर महीना है, लेकिन जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है तो ऐसा माफ कीजिए मई का महीना है और जिस तरह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है उससे ऐसा लग रहा है कि नवंबर का महीना चल रहा है। सर्दियां भी चल रही है क्योंकि मई में अमूमन इतनी ठंड जो है नहीं होती थी और अभी भी शिमला में देखा जाए तो ठंड है। यहाँ पर अभी भी जैकेट स्वेटर लगाकर ही लोग जो है वो आवागमन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। और अलग से मौसम, देखिए अभी जैसे आपने बात की प्रदीप की, अभी देखिए मई का महीना में है, होती गर्मी है लेकिन लग रहा है कि मानो नवंबर का महीना है। और अक्सर ये होता है कि इस सीजन में यानी कि मई जून जुलाई यात्री या हम कहें कि जो पर्यटक हैं वो काफी संख्या में पहुंचते हैं, ऐसे में हिमाचल का रुख करते हैं, शिमला आते हैं और ये सीजन का समय बताया जाता है। तो इस बार जो आने वाले हैं पर्यटक, क्या उनको लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कुछ एडवाइजरी है, किसी की ओर से कोई एडवाइजरी जारी की गई है? क्योंकि अभी बारिश का दौर है, जाहिर तौर पर इस समय फिसलन जो है वो भी बढ़ सकती है। हमारे साथ सुरेंद्र पॉल इस समय मौसम विभाग के निदेशक इस समय खुद फोन लाइन पर है। पॉल साहब, इस समय देखिए मौसम की करवट तो बदली ही हुई है, किस तरह से पूरा मौसम अभी रहने वाला है और आगे कितने दिन के लिए और इसी तरह से मौसम रहेगा, क्या जानकारी आप देंगे दर्शकों को? देखिए अभी करीब 3 से 4 दिन मौसम खराब रहेगा, ओवरऑल मौसम खराब रहने की संभावना, लेकिन जो ज्यादा मौसम खराब रहेगा वो आज है। आज के बाद इसमें कमी कल से शुरू होना शुरू हो जाएगी, लेकिन ये है कि बीच बीच में जैसे हिमाचल प्रदेश है या उत्तराखंड या पहाड़ी इलाकों में बीच बीच में आपको बारिशें जरूर देखने को मिलेंगी। हालांकि उनका जो उनकी गति कम होगी, उनकी इंटेंसिटी कम होगी, लेकिन जो मैक्सिमम जो आप देख रहे हैं ज्यादा बारिश का असर जो है आज आपको देखने को मिलेगा और आज के बाद फिर कल से इसमें कमी होगी। कल से कमी होगी, लेकिन आप कह रहे हैं कि इस तरह के रिमझिम बारिश का जो दौर है वो आगे जारी रहेगा, ऐसा नहीं है कि बारिश भी? कुछ और दिन जो है मौसम खराब रहने की संभावना है बीच बीच में, लेकिन जो बारिश होगी वो इतनी तेज नहीं होगी और इतनी लगातार नहीं होगी जैसे अभी हो रही है। लेकिन येलो अलर्ट जो जारी किया गया है, अलर्ट जो है आज हमने ऑरेंज अलर्ट रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश के लिए, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में आमतौर पर लैंडस्लाइड की संभावनाएं बन जाती हैं और विजिबिलिटी कम हो जाती है, खासकर इस टाइम पे फॉग आ जाती है, तो उसके लिए हमने एक ऑरेंज अलर्ट आज रखा हुआ है, लेकिन कल से वार्निंग नहीं, कल से इसमें कमी आ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सुरेंद्र पॉल साहब जुड़ने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। तो ये जानकारी उनकी ओर से दी गई है कि आज के लिए देखिए ऑरेंज अलर्ट है, जैसे जानकारी दे रहे हैं मौसम विभाग के निदेशक कि ऑरेंज अलर्ट है और क्योंकि बारिश का दौर है, लैंडस्लाइड की संभावनाएं भी रहती हैं और बर्फबारी ऊंचाई वाले इलाकों में हो रही है, तो ऐसे में ऑरेंज अलर्ट है जो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है आज के लिए, आज जो है ज्यादा बारिश होगी। प्रदीप, कल से जो है बारिशें हल्की हो जाएंगी और साथ ही साथ अब आगे देखिए जिस तरह से मौसम विभाग के निदेशक की ओर से जानकारी दी गई है कि ऐसा नहीं है कि बारिश खत्म हो जाएगी बल्कि रिमझिम बारिश का दौर जो है वो अभी जारी ही रहेगा।